Hi everyone, my name is इस तमना Welcome वेलकम my YouTube यूट्यूब चैनल आई एम physics फिजिक्स एक्सपर्ट ऑन Academy for फॉर UG. और कोई भी बच्चा अगर यहाँ पर नया है मैं बताना चाहूंगी कि इस यूट्यूब चैनल के ऊपर फर्स्ट जुलाई से लेके फिफ्थ जुलाई तक हम फिजिक्स के जितने भी ट्वेंटी चैप्टर्स हैं उनके ऊपर पिछले बारह साल के प्रीवियस क्वेश्चन को डिस्कस करके खत्म करने वाले विद द हेल्प ऑफ पी वाई क्यू चीट शीट्स ठीक है तो अभी चैनल एक बार ज़रा सा सब्सक्राइब कर लो और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो कमिंग बैक टू एग्जैक्टली व्हाट दिस क्लास इज अबाउट तो मैं बताना चाहूंगी हर एक नीट ट्वेंटी ट्वेंटी टू एस्पायरेंट को कि आज इस यूट्यूब चैनल के ऊपर तीन मिनी बूस्टर क्लासेज आएंगी मिनी बूस्टर क्लासेस आर गोइंग टू बी टॉपिक ओरिएंटेड क्लासेस जिसके अंदर हम एक क्लास में एक टॉपिक करेंगे छोटी सी क्लास होगी जैसे कि पहली जो मिनी बूस्टर क्लास अभी जो, जिसको तुम लोग अटेंड करे इट इज ऑन गलवाणु मीटर तो गलवाणु मीटर दो चैप्टर्स में लाया करता है एक मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म जिसके अंदर हम मूविंग कॉइल गलवाणु मीटर के बारे में बात करते हैं और फिर बाद में करंट इलेक्ट्रिसिटी में जहां पर हम बात करते हैं कि एक गलवाणु मीटर को एम मीटर और वोल्ट मीटर में किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है ठीक है ये आ गया हमारा पहला मिनी क्लास क्लास दूसरी ख्लास आएगी बच्चों ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर जिसके अंदर रे ऑप्टिक्स के भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स होंगे जिसमें हम लोग मैग्निफिकेशन के बारे में बात करते हैं और वेव ऑप्टिक्स के भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स होंगे जिसके अंदर हम लोग रिजोल्विंग पावर के ऊपर बात करते हैं ठीक है और तीसरी मिनी बूस्टर क्लास आएगी हमारी रिलेटिव मोशन के ऊपर इन वन डायमेंशन एज वेल एज टू डायमेंशन सो द्लास आर गोइंग टू क्लासेस आर गोइंग टू इंक्लूड क्वेश्चन एज वेल ये नहीं सोचना कि सिर्फ थियरी थियरी पढ़ाऊंगी और फिर चली जाऊंगी वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन लाइक वी डू इन एवरी क्लास ठीक है तो छोटी सी ये वीडियो है इसको एंड तक देखिएगा और एक बार जब तुम लोग इस वीडियो को खत्म कर देते हो तो मुझे बता देना मुझे कैसे बता दोगे एक कमेंट डाल के हैश टैग मिनी वन कंप्लीट क्योंकि तीन मिनी सेशंस आज इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आने वाले हैं ठीक है ठेके? बाकी अगर कोई भी बच्चा नया है तो मैं बताना चाहूंगी अन अकेडमी के फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म पे मैं मंडे को और थर्सडे को फुल लेंथ फिजिक्स के मॉक टेस्ट रखती हूँ शाम को छह बजे कोई भी बच्चा अगर इंटरेस्टेड है और होने भी चाहिए क्योंकि बीस दिन रह गए यार तुम्हारे एग्जाम में तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो क्योंकि उसके लिंक्स और नोटिफिकेशन तुम्हें मिलते रहेंगे टेलीग्राम चैनल के ऊपर ये जो क्लास का पीडीएफ है एज वेल एज दूसरी जो मिनी बूस्टर सेशन है उनका जो पीडीएफ है वो भी तुम लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा ठीक है अब शुरू करते हैं बच्चों हम लोग ये वाली क्लास को बट मेक मेक दिस श्योर कि जो दूसरी दो सेशंस हैं मिनी बूस्टर मिनी बूस्टर सेशंस हैं उनको भी तुम लोग कंप्लीट करो और एक uh, कमेंट डाल दो ठीक है और मुझे बता दो दैट यू आर डन फॉर द डे बिकॉज आज के दिन का हमारा टारगेट यही तीन मिनी बूस्टर सेशंस है नाउ टॉकिंग विद रिस्पेक्ट टू दी मूविंग ऑयल गलवानो मीटर अभी मूविंग ऑयल गलवानो मीटर छोड़ो गलवानो मीटर के ऊपर बात करते हैं क्या होता है गलवानो मीटर गलवानो मीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसको मैं बोल सकती हूँ बड़ा सेंसिटिव एम है एमीटर मीटर वो डिवाइस है जो करंट मेजर करता है मान लो एक वायर के अंदर कितना करंट जा रहा है अगर मुझे वो निकालना है तो मैं उस वायर के अंदर एमीटर लगा दूंगी है कि नहीं वो एमीटर मुझे बता देगा कितना करंट फ्लो कर रहा है जैसे ही करंट जो फ्लो कर रहा है वो फ्लक्चुएट करेगा तो जो डिफ्लेक्शन है एमीटर मीटर की फ्रॉम इट जीरो पोजिशन या फिर जीरो रीडिंग वो भी फ्लक्चुएट करेगी तो मान लो अभी अगर एक ऐसा एमीटर हो जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है एक ऐसा एमीटर हो जो छोटे से छोटा करंट मेजर कर पाए दैट इज वन थिंग लेकिन अगर छोटा सा चेंज भी आ जाए करंट में उसको भी डिफ्लेक्शन की फॉर्म में बता पाए विद रिस्पेक्ट टू द रीडिंग ऑफ द डिवाइस दैट इज अ गलवानोमीटर तो गलवानो के केस में होता है कि ज्यादा करंट अगर इसके अक्रॉस पास करा दोगे तो उसकी फंक्शनिंग इम्पेयर हो जाएगी खराब हो जाएगा तो दिस इज अनदर डिफरेंस बिटवीन एन एम मीटर एंड गलवानोमीटर एम मीटर के अक्रॉस अगर तुम बड़ा करंट भी भेज देते हो कोई दिक्कत की बात नहीं है गलवानो के अक्रॉस भेज दोगे तो ऑब्वियसली बात है फिर बाद में वो खराब हो जाएगा अब मीटर के अंदर एक चीज तुम्हें क्लियर हो जाने चाहिए कि गलवानो के क्रॉस अगर ज्यादा करंट फ्लो करेगा तो वो अपनी जीरो रीडिंग से ज्यादा डिफ्लेक्शन शो करके तुम्हें हाईर रीडिंग देगा कम करंट फ्लो करेगा तो वो कम रीडिंग देगा है ना तो ये रीडिंग किस बेसिस पे दे रहा है दैट फ्रॉम वन हैोमीटर टू अदर बिकॉज सबके वर्किंग प्रिंसिपल्स अलग अलग हैं तो अभी हम लोग हमारे पूरे सिलेबस में बहुत तरीके के गलवानोमीटर्स के बारे में बात करते हैं टेंजेंट गलवानोमीटर के बारे में बात करते हैं अभी हम लोग यहाँ पर मूविंग कॉइल गलवानोमीटर के बारे में बात करें सो वी आर गोइंग टू रिमेन यू नो कीप की डिस्कशन जस्ट फिक्सेटेड टू द मूविंग कॉइल गलवानोमीटर फॉर नाउ तो मूविंग कॉयल गलवानोमीटर में क्या होता है कि अगर इसके अक्रॉस करंट फ्लो करेगा तो ये डिफ्लेक्शन शो करेगा ऑब्वियसली बात है कैसे डिफ्लेक्शन शो करेगा तो मूविंग कॉल गलवानोमीटर इस प्रिंसिपल पे काम करता है कि मान लो दिस इज दी दलवानोमीटर ये वो वाला पार्ट है जो गलवानो मीटर के अंदर लोकेटेड है जिसको तुम देख नहीं पा रहे हो और ये वो सर्किट है जो गलवानो मीटर के बाहर प्रेजेंट है सर्किट जिसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है जिसको मेजर या फिर डिटेक्ट करने के लिए तुमने गलवानो मीटर लगाया था अभी बच्चों ये जो अंदर गलवानो मीटर के है इसके अंदर हमारे पास दो इस तरीके से मैग्नेट्स होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैंने डाल दिया एक लूप मान लो यहाँ पर नंबर ऑफ कॉइल्स की वैल्यू इतनी है मैग्नेट इतनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं यहाँ पर एन कॉइल्स है मान लो एक कॉइल की एरिया की वैल्यू है ए और रेजिस्टेंस ऑफ वन कॉइल को तुम कैपिटल आर ले लो मान लो रेजिस्टेंस ऑफ वन कॉइल इज इक्वल टू कैपिटल आर अभी यहाँ पर समझने की कोशिश करना अगर मानो मैंने यहाँ पर करंट भेज दिया तो ये मेरे पास एक ऐसा करंट कैरिंग लूप हो गया जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो टॉर्क आएगा ना टॉर्क क्या होता है टॉर्क विच इज रिलेटेड टू एनी करंट कैरिंग लूप विच इज प्रेजेंट इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इट इज गोइंग टू बी गिवन बाई द क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ कॉइल एंड द मैग्नेटिक फील्ड ठीक है तो मानो अभी मैं मैक्सिमम टॉर्क की सिचुएशन ले रही हूँ कि मैक्सिमम टॉर्क लग गया जिसकी वजह से ये थीटा के एंगल से घूम गया या फिर इसके अंदर थीटा का ट्विस्ट आ गया तो मैक्सिमम टॉर्क कितना हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट मतलब मैं इन दोनों के बीच में एंगल को क्या रखने वाली हूँ नाइन्टी डिग्री रखने वाली हूँ मैग्नेटिक मोमेंट का मैग्नेट्यूड क्या होता है इट इज नंबर ऑफ कॉइल्स मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ वन कॉइल मल्टीप्लाइड बाय ये कितने करंट को इनक्लोज कर रहे हैं दिस इज इ मैग्नेटिक मोमेंट और ये बी की मैग्नेटिक फील्ड में रखे हुए हैं तो ये मैक्सिमम टॉर्क है जो इस कॉइल के ऊपर लगा जिसकी वजह से इसके अंदर थीटा का ट्विस्ट आया तो मैं इन दोनों को कैसे रिलेट करूंगी बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हम लोग स्प्रिंग प्रॉब्लम्स में स्प्रिंग कॉन्स्टेंट को रिलेट करते हैं फोर्स से जैसे कि फोर्स इज बेसिकली लीनियर फिजिकल क्वांटिटी जिसकी हेल्प से तुम लोग किसी भी बॉडी को एक्सिलरेट करते हो है कि नहीं तो वहां पर हम लोगों ने स्प्रिंग कांस्टेंट डिफाइन किया कि कितना रिस्टोरिंग फोर्स एक स्प्रिंग के अंदर डेवलप होगा अगर मैं उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट एक मीटर के क्रिएट करती हूँ तो सेम चीज जैसे मैं वहां पर स्प्रिंग कॉन्स्टेंट डिफाइन कर रही हूँ रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट तो मैं यहाँ पर रिस्टोरिंग टॉर्क जो इस एक्चुअली uh, इस कॉइल के साथ एक छोटी सी स्प्रिंग भी एसोसिएटेड होती है तो अगर कॉइल थीटा एंगल से घूमता है तो उस थीटा एंगल के बेसिस के ऊपर ही जो स्प्रिंग आती है उसके अंदर रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस होता है बाकी उसके अंदर उतना हमें जाना नहीं बिकॉज बीस दिन में तुम्हारा पेपर है वहीं तक कन्फाइंड रखेंगे ठीक है तो टॉर्क कैन बी रिटर्न इज इक्वल टू वट इज टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट फॉर दिस गलवानो मीटर मल्टीप्लाइड बाई कितना यहाँ पर एंगल ऑफ ट्विस्ट आया हुआ है तो मेरे पास एंगल ऑफ ट्विस्ट की वैल्यू इस मूविंग कॉइल गलवानो मीटर के लिए आगे ये तो जो मेरे पास एंगल ऑफ ट्विस्ट है ठीक है तो तुम लोग देख पा रहे हो इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ कॉइल्स व्हाट इज द करंट फ्लोइंग अक्रॉस द कॉइल व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड जिसके बीच में तुमने ये कॉइल uh, रखा हुआ है व्हाट इज एरिया ऑफ वन कॉइल एंड व्हाट इज द टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट फॉर वन कॉइल ठीक है अब बच्चों ये जो मेरे पास ट्विस्ट आया है अब मैं इसको कैसे डिफाइन कर रही हूँ एम आई डिफाइनिंग इट पर यूनिट करंट इफ आई एम तो वो करंट सेंसिटिविटी है अगर मैं पर यूनिट वोल्ट निकालूं तो वोल्टेज सेंसिटिविटी है इसका मतलब कि मान लो अगर मैं मूविंग कॉइल गलवानो मीटर के अक्रॉस वन एम्पेयर का करंट भेज दूँ तो तब जो एंगल ऑफ ट्विस्ट आएगा वो मेरे पास करंट सेंसिटिविटी है उसी तरीके से अगर मैं मूविंग कॉइल गलवानो मीटर के अक्रॉस वन वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगा दूँ तो वहां पर जो ट्विस्ट आएगा वो मेरे पास वोल्टेज सेंसिटिविटी है ठीक है तो ये आ मेरे पास फॉर्मुलाज ऑफ वोल्टेज सेंसिटिविटी एंड करंट सेंसिटिविटी एक बार जरा सा लिख देते हैं तो करंट सेंसिटिविटी आ गया मेरे पास एन बी ए डिवाइडेड बाई के उसी तरीके से वोल्टेज सेंसिटिविटी मेरे पास आ गया एन बी ए डिवाइडेड बाई के यहां पर आ गया रेजिस्टेंस ऑफ द गलवानो विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉइल्स मल्टीप्लाइड बाई द रेजिस्टेंस ऑफ वन कॉइल देखो रेजिस्टेंस ऑफ़ मूविंग कॉइल कितना है टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स मल्टीप्लाइड तो तुम लोग अभी यहाँ पर देख पा रहे हो कि मान लो अगर गलवानो मीटर में नंबर ऑफ कॉइल्स बढ़ा दूँ तो उस कॉइल उस के नंबर के बढ़ने से जो मेरे पास करंट सेंसिटिविटी है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी लेकिन जब मैंने नंबर ऑफ कॉइल्स बढ़ाए ठीक है तो न्यूमरेटर तो इंक्रीज हो ही रहा है लेकिन यहाँ पर डिनोमिनेटर भी इंक्रीज हो रहा है मतलब अगर नंबर ऑफ कॉइल्स को मैं इंक्रीज कर रही हूँ तो न्यूमरेटर तो इंक्रीज होगा ही लेकिन जो रेजिस्टेंस ऑफ द गलवानोमीटर है वो उसी फैक्टर से इंक्रीज होगा तो आई कैन से कि जो यहाँ पर वोल्टेज सेंसिटिविटी है वो हमारी अनअफेक्टेड रहती है तो यहाँ से थेरोटिकल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं मूविंग कॉइल गलवानोमीटर में से तो तुम देख पा रहे हो जितना ज्यादा करंट की वैल्यू इस मूविंग कॉइल गलवानो के अक्रॉस फ्लो करेगी उतना ही ज्यादा ट्विस्ट इस मूविंग कॉइल गलवानो में आएगा जैसे स्प्रिंग में हम लोग करते हैं कि जितना ज्यादा स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू उतना ही उसको डिस्प्लेस कराना उतना ही उसको कंप्रेस कराना या फिर स्ट्रेच कराना मुश्किल होता है उसी तरीके से मैं बोल सकती हूँ अगर मेरे पास एक मूविंग ऑयल गलवानो मीटर है जहां पर कपल पर यूनिट ट्विस्ट या फिर टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट की वैल्यू ज्यादा है तो वो सेम करंट के ऊपर कम डिफ्लेक्शन देगा जैसे कि मेरे पास अगर दो स्प्रिंग है एक का स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा है मतलब सेम फोर्स के लिए वो मुझे कम डिस्प्लेसमेंट देगा उसी तरीके से अगर मूविंग कॉइल गलवानो मीटर के लिए अगर मेरे पास कपल या फिर टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट की वैल्यू ज्यादा है तो सेम करंट के लिए वो मुझे कम एंगल ऑफ ट्विस्ट दे देगा तो नाउ दैट आई नो कि मूविंग कॉइल गलवानो मूविंग कॉइल गलवानो मीटर क्या है अब उसको बिल्कुल भूल जाओ अब उसको बिल्कुल भूल जाओ अब तुम्हारे पास बस एक गलवानू मीटर है और हमें इसको एम मीटर में कन्वर्ट करना है तो हाउ वी आर गोइंग टू डू इट थियरी भी डिस्कस करेंगे कंसेप्ट भी डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे तो एम मीटर क्या होता है एम मीटर एक ऐसा डिवाइस है जो करंट को मेजर करता है ठीक है और एमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसके अक्रॉस अगर ज़्यादा करंट की वैल्यू चली हुई जाए तो वो मतलब उसकी फंक्शनिंग में किसी भी तरीके की इंपेयरमेंट नहीं आती है है कि नहीं लेकिन गलवानु मीटर क्या है गलवानू मीटर एक सेंसिटिव एम मीटर है इसके अक्रॉस अगर ज्यादा करंट की वैल्यू फ्लो कर गई तो ये तो खराब हो जाएगा तो मानो ये मेरे पास एक्सटर्नल सर्किट है जिसके अंदर आई का करंट फ्लो कर रहा है और यही आई के करंट की वैल्यू मुझे निकालनी है और गलवानु मीटर की हेल्प से निकालनी है बिकॉज मैं गलवानु मीटर को आम मीटर में कन्वर्ट करना चाहती हूँ तो मैंने एक गलवानु मीटर लगा दिया लेकिन मैंने सोचा तमाना यहाँ पर तो दुविधा है मान ले अगर यहाँ से बहुत ज्यादा करंट फ्लो कर जाए तो ऑब्वियस ही बात है गलवाणु मीटर तो हमारा खराब हो जाएगा तो मैंने सोचा ऐसा करते हैं यहाँ पर एक जंक्शन क्रिएट करते हैं कि यहाँ से जो करंट आ रहा है उसमें से कुछ हिस्सा ऊपर चला जाए और कुछ हिस्सा नीचे चला जाए तो इसकी हेल्प से होगा ये कि जितना भी ज्यादा जितना भी करंट सर्किट में है उसमें से सारा का सारा गलवानो के अक्रॉस नहीं फ्लो कर रहा है तो मैंने सोचा अगर हम यही कर रहे हैं तो सेफ साइड पे लेके चलते हैं हम ऐसा करते हैं कि मीटर के अक्रॉस अक्रॉस बिल्कुल कम करंट हैं हैं और इस तरीके का रेजिस्टेंस में कनेक्ट करते हैं कि उसके ज़्यादा गलवानुमी गलवानोमीटर सो दैट एन बी क्रिएटेड प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इज दलवानोमी और मैंने इसके पैरल में लो रेजिस्टेंस के शंट को कनेक्ट किया है क्यों क्योंकि इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो मैं चाहती हूँ कि गलवानो मीटर के अक्रॉस कम करंट जाए तो ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है ये सिर्फ तभी पॉसिबल है अगर रेजिस्टेंस ऑफ द शंट की वैल्यू क्या हो कम हो तभी उसके अक्रॉस ज्यादा करंट जाएगा ठीक है तो इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू कम है इसीलिए इसके अक्रॉस ज़्यादा करंट जाएगा इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा है इसीलिए इसके अक्रॉस करंट की वैल्यू कम जाएगी तो अभी मैं यहाँ पर ये बोल सकती हूँ कि पोटेंशियल डिफरेंस जो शंट के अक्रॉस है और गलवानो मीटर के अक्रॉस है दोनों सेम होगा जो पोटेंशियल डिफरेंस शंट के अक्रॉस है इट इज गोइंग टू बी इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है मल्टीप्लाइड बाय इसकी रेजिस्टेंस गलवानो मीटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो मुझे तब पता लगेगा जब इसके अक्रॉस जो मैं करंट फ्लो करवा रही हूँ उसको मल्टीप्लाई कर दूँ उसकी रेजिस्टेंस के साथ सो आई यू नॉट एबल टू सी कि यहाँ पर मेरे पास ये जो स्ट्रक्चर बना है ये गलवानो मीटर ये मेरे पास मीटर बन गया कि मेरे पास सर्किट में आई करंट है करंट विच इज रिलेटेड टू दीटर आई इज द करंट जिसको क्वेश्चन बोलेगा दीटर शोज फुलशन एट दिस करंट सो दट इज द करंट विच इज रिलेटेड टू दीटर इसमें से कुछ हिस्सा गए गलवानो मीटर में दिस इज दी गलवानो मीटर करंट तो आई कैन से कि जो गलवानु मीटर मुझे डिफ्लेक्शन दे रहा है वो इस करंट की वजह से दे रहा है और जो बचा कुचा करंट है आई माइनस आई जी इट इज दी वन विच इज पासिंग अक्रॉस शंट बस ये थियरी है और इसके ऊपर अभी क्वेश्चन करो देखो कैसे जिप जिप करके क्वेश्चन बनेंगे क्वेश्चन तुम्हारे पास ये है गलवानो मीटर की रेजिस्टेंस है सौ ओम ठीक है ये फुल डिफ्लेक्शन दे रहा है दस मिली एम्पेयर के ऊपर तो मान लो अगर तुम इसको दस एम्पेयर के अमीटर के uh, में कन्वर्ट करना चाहते हो जिसकी रेंज दस एम्पेयर है देन वॉट शुड बी दी रेजिस्टेंस ऑफ द शंट तो एक चीज क्लियर रखो ना इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ये है ही नहीं कि ये तुम्हारे पास इस तरीके से एक गलवानो आया ठीक है गलवानो को आम मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो ऑब्वियस बात है तुम चाहोगे कि यहाँ पर पैरल में तुम लो रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दो जिसको शंट रेजिस्टेंस बोला जाता है ऐसा करने से होगा क्या ये होगा कि जो करंट आम के अक्रॉस आया है उसमें से बहुत ही छोटा हिस्सा गलवानो के अक्रॉस जाएगा और जो बचा पूछा हिस्सा है वो शंट के अक्रॉस चला जाएगा अब तुमसे रेजिस्टेंस ऑफ शंट पूछा हुआ है तो रेजिस्टेंस

उसी तरीके से गलवानु मीटर फुल डिफ्लेक्शन दे रहा है टेन मिली एम्पेयर के ऊपर मतलब ये जो करंट है इट इज इक्वल टू टेन मिली एम्पेयर विच कैन ऑल्सो बी रिटर्न इज इक्वल टू जीरो पॉइंट जीरो वन एम्पेयर तो दस एम्पेयर में से जीरो पॉइंट जीरो वन एम्पेयर नीचे जा रहा है तो ऑब्वियसली बात है जो बचा कुचा है विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू वॉट 9.99 वो कहां से जा रहे हैं ऊपर से जा रहे हैं तो आई कैन से जो करंट uh, uh, मेरा शंट के अक्रॉस गया मल्टीप्लाइड बाय द रेजिस्टेंस ऑफ द गोइंग टू बी इक्वल टू कितना करंट गलवानो के अक्रॉस गया मल्टीप्लाइड बाय द रेजिस्टेंस ऑफ द गलवानो आगे तुम्हारे पास वैल्यू आर एस की वैल्यू यहाँ से आई ना सीधा सीधा दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व इट तो यहाँ यहाँ से तुम्हारे पास वैल्यू क्या आ गई यहाँ से तुम्हारे पास आ गई वैल्यू ऑफ द शंट इज रिक्वायर्ड ताकि तुम लोग ये जो प्रोसीजर है इसको कर सको नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन ये है तुम्हारे पास एक एमीटर है जो फुल डिफ्लेक्शन दे रहा है एक एम्पेयर करंट पे अब तुम इसको एक ऐसे एमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हो जिसकी बड़ी रेंज है मतलब जिसकी रेंज दस एम्पेयर है जो फुल डिफ्लेक्शन देता है दस एम्पेयर पे तो बताओ कितना रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड है मानो वैसे ये तो नहीं पूछा हुआ तुमसे ये पूछा हुआ है टू कन्वर्ट इट इनटू अ टेन एम्पियर रेंज एमीटर किसको दूसरे एमीटर को जो वन एम्पियर की रेंज है तो अभी एम्पी मेरे पास जो एमीटर है वन एम्पियर की रेंज का है मुझे इसको दस एम्पियर की रेंज में कन्वर्ट करना है तो आई कैन से ये जो मेरे पास लो रेंज का एमीटर है दिस कैन बी ट्रीटेड एज गलवानोमीटर दिस कैन बी ट्रीटेड एस गलवानू मीटर के मेरे पास एक गलवानु मीटर है जिसकी रेंज है मुझे इसको एक ऐसे एम मीटर में कन्वर्ट करना है जिसकी रेंज है दस एम्पियर तो वॉट इज गोइंग टू बी रेजिस्टेंस ऑफ दलवानु मीटर एंड रेजिस्टेंस ऑफ द शी वालू तुमसे पूछी हुई है निकालो सिर्फ तुम्हें इतना ही तो लिखना है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दलवानु मीटर इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दंट तो अभी मान ये मेरे पास गलवानु मीटर है ठीक है यहां पर इस तरीके से मेरे पास आ जाता है शंट तो एमीटर में देखो एमीटर से रिलेटेड है It is equal to 10 से कितना कितना करंट करंट है, तो है, तो तो बात शंट में गया, तो मेरे पास आया ना रेजिस्टेंस ऑफ द गलवानो मल्टीप्लाइड बाय वन इज इक्वल टू तो रेजिस्टेंस ऑफ शंट मल्टीप्लाइड बाय नाइन तो तुम्हारे पास आर जी बाय आर एस की वैल्यू कितनी आ गई नाइन बाय ऑप्शन नंबर डी दिस इज हाउ वी कन्वर्ट अ गलवानो मीटर इंटू अम मीटर ठीक है अब अगर मैं बात करूं कि गलवानो को हम लोग वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं तो वोल्ट मीटर क्या होता है वोल्ट मीटर बच्चों एक ऐसा डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं दो पॉइंट्स के बीच में ठीक है जैसे कि मानो एक ये पॉइंट आ गया ए जिससे मैंने मस्त इस तरीके से एक बैटरी कनेक्ट की हुई है और एक ये पॉइंट आ गया बी मुझे क्या करना है इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है दैट वॉट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स ठीक है मानो यहाँ पर एक रजिस्टर है या फिर रजिस्टर नहीं लेती हूँ ऐसे ही ए बी पॉइंट ले लेती हूँ मैंने तुमसे पूछा कि ए बी के अक्रॉस बताओ पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कितनी है तो हम क्या करते हैं वोल्ट मीटर को इसके पैरेलल में अप्लाई करते हैं ना कि मैं यहाँ पर क्या करूंगी इसके पैरेलल में एक वोल्ट मीटर को कनेक्ट कर दूंगी लेकिन अब की बार हमारे पास ये ऑर्डनरी वोल्ट मीटर नहीं है अब की बार हमारे पास ये वो वोल्ट मीटर है जो बना है गलवानु मीटर से तो अभी सबसे पहले मैं लेके आई गलवानु मीटर एक बार देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर इस तरीके से ले आई एक गलवानु मीटर है ना गलवानु मीटर वोल्ट मीटर हाई रेजिस्टेंस का होता है गल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस कंपैरेटिवली बड़ी छोटी होती है तो अगर तुम गल्वानोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो तुम लो रेजिस्टेंस डिवाइस को हाई रेजिस्टेंस डिवाइस में कन्वर्ट करना चाहते हो तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा इससे हाई रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट करनी पड़ेगी व्हिच इज इक्वल टू आरएच दैट इज इट ये तुम्हारे पास बन गया वोल्टमीटर खत्म ये जो तुम पूरा का पूरा स्ट्रक्चर देख पा रहे हो दिस इज दोल्ट मीटर तो आई कैन से पोटेंशियल डिफरेंस विच इज अक्रॉस दोल्ट मीटर दिस इज दोटेंशियल वोल्ट मीटर गिवस यू द फुल डिफ्लेक्शन दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस विच द गलानो मीटर इज गोइंग टू गिव यू दी फुल डिफ्लेक्शन और ये तुम्हारे पास आ गया बचा कुचा पोटेंशियल ये आ गया तुम्हारे पास बचा कुचा पोटेंशियल समझो ना कि मेरे पास वोल्ट मीटर कैसे बन रहा है वोल्ट मीटर में मेरे पास इस तरीके से एक गलवानु मीटर है और मेरे पास इस तरीके से एक हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू है तो मेरा यहां से से लेके लेके तक तक क्या है यहां से यहां तक वोल्ट मीटर है अब मानो अगर यहाँ पर मेरे पास आई का करंट फ्लो करा है विच इज द करंट फ्लोइंग अक्रॉस दी, दी गलवानु मीटर तो तुम देख पा रहे हो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है इट इज इक्वल टू आई जी और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू आई जी आर एच तो मेरे पास ये वाली जो वैल्यू है दिस इज दोटेंशियल गलवानोमीटर शोज डिफ्लेक्शन अकॉर्डिंग टू दिस शोज डिफ्लेक्शन अकॉर्डिंग टू दिस उसी तरीके से अभी अगर मैं बात करूं इसकी तो ये मेरे पास पूरा का पूरा वोल्ट मीटर है तो आई कैन से वोल्ट मीटर शोज डिफ्लेक्शन वोल्ट मीटर शोज डिफ्लेक्शन अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग डो नॉट माइंड दी स्पेलिंग अकॉर्डिंग टू दिस सो पोटेंशियल डिफरेंस विच इज रिलेटेड टू दी वोल्ट मीटर इट इज दोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द गलवानो मीटर प्लस द हाई रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज एंड द पोटेंशियल ड्रॉप और आई कैन से रीडिंग ऑफ द गलवानो मीटर इट इज गोइंग टू बी रिलेटेड विद द करंट विच इज फ्लोइंग अक्रॉस द गलवानो मीटर मल्टीप्लाइड बाई द रेजिस्टेंस ऑफ दी गलवानो मीटर बस यही थियरी है तुम्हारे पास दो क्वेश्चन कर लो देखो कैसे जिप जिप क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन यहाँ पर ये है ठीक है क्वेश्चन यहाँ पर ये है हंड्रेड मिली अम्पेयर करंट गिव्स फुल डिफ्लेक्शन इन अ गलवानो ऑफ रेजिस्टेंस टू ओम सो वॉट इज द रेजिस्टेंस दैट मस्ट बी कनेक्टेड विद द गलवानो अगर तुम इसको वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हो जो पांच वोल्ट को मेजर करता है तो अभी तुम समझो सबसे पहले वोल्ट मीटर को बनाओ वोल्ट मीटर यहाँ पर कैसा दिखता है कुछ इस तरीके का दिखेगा कि ये आ गया एक पॉइंट इससे कनेक्ट करूंगी मैं गलवानु मीटर गलवानु मीटर से कनेक्ट कर दी मैंने हाई रेजिस्टेंस अब ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये मेरे पास वोल्ट मीटर है तो यहाँ पर गिवन है कि जो वोल्ट मीटर मेजर कर रहा है तुम्हारे पास कितना वोल्ट पांच वोल्ट तो इस पांच वोल्ट का कुछ पोर्शन गलवानो मीटर में है, कुछ पोर्शन हाई रेजिस्टेंस जो सीरीज में कनेक्टेड है उसके अक्रॉस है तो यहाँ पर लिखा तो हुआ है कि गलवानो मीटर के अक्रॉस इतना करंट फ्लो कर रहा है और उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू इतनी है मतलब जो करंट यहाँ पर फ्लो कर रहा है उसकी वैल्यू कितनी है इट इज इक्वल टू हंड्रेड मिली एम्पियर हंड्रेड मिली एम्पेयर बोले तो जीरो पॉइंट वन एम्पियर तो ऑब्वियसली बात है जीरो पॉइंट वन एम्पेयर दो ओम के अक्रॉस फ्लो करेगा तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.1 पॉइंट वन एम्पेयर दो ओम के अक्रॉस फ्लो कर रहा है तो यहाँ पर आ गया तुम्हारे तो पास 0.2 पॉइंट वोल्ट बचा कुचा पोटेंशियल मेरे पास कितना आ गया 4.8 पॉइंट वोल्ट सो डू यू नॉट अंडरस्टैंड वॉट दिस फोर पॉइंट एट वोल्ट इज आई कैन से फोर पॉइंट एट वोल्ट इज दोटेंशियल ड्रॉप जो मेरे पास हाई रेजिस्टेंस के अक्रॉस है फोर पॉइंट एट वोल्ट इज पोटेंशियल डिफरेंस जो हाई रेजिस्टेंस के अक्रॉस है रेजिटेंस इज फ्लो कर रहा है जितना गलवानो मीटर के कर रहा था तो यहां पर तुम्हारे पास आरएच की वैल्यू आई ना कि जो रेजिस्टेंस तुम्हें सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा उसकी वैल्यू आ गई फोर्टी एट ओम एक और क्वेश्चन करो एक गलवानो मीटर है ठीक है रेजिस्टेंस की वैल्यू है सात ओम और वो फुल डिफ्लेक्शन देता है जब उसके अक्रॉस वन एम्पेयर का करंट फ्लो करता है अब तुमसे पूछा हुआ है तुम इसको किस तरीके से एक ऐसे वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करोगे जिसकी रेंज की वैल्यू दस वोल्ट है तो समझने की कोशिश करो ये है मेरे पास गलवानोमीटर ठीक है रेजिस्टेंस ऑफ दी गलवानोमीटर तुम्हारे पास कितना है सात ओम इसके अक्रॉस करंट कितना फ्लो कर रहा है वन एम्पियर तो ऑब्वियसली बात है इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप क्रिएट होगा इट इज इक्वल टू सेवन वोल्ट अब तुम इसको एक ऐसे एम मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हो जो तुम्हें रीडिंग दे रहा है दस वोल्ट के ऊपर मतलब तुम्हें एक्स्ट्रा तीन वोल्ट और चाहिए तो वो तुम्हें कहां से मिलेंगे जब तुम यहाँ पर एक हाई रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट कर दोगे तो अभी ये जो हाई रेजिस्टेंस तुमने सीरीज में कनेक्ट की है इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होना चाहिए तीन वोल्ट का सो तीन वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप है आरएच के अक्रॉस जब उसके अक्रॉस वन एम्पेयर का करंट फ्लो कर रहा है आरएच की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी आ गई तीन ओम एंड वी डन दैट इज़ इट अब ऊपर और प्रैक्टिस कीजिए एंड आई एम वेरी श्योर विल नॉट बी फेसिंग प्रॉब्लम तो इसको बेसिक वी इज इक्वल टू आई आर वाले प्रॉब्लम बनाओ एमीटर uh, को हम यूज़ करते हैं करंट को मेजर करने के लिए तो जिस आम में करंट मेजर करना है उस आम के सीरीज में हम लोग कनेक्ट करते हैं आम मीटर को लेकिन आम मीटर जिस गलवानो मीटर से बन रहा है तो वो हम कैसे करते हैं जब हम गलवानो मीटर के अक्रॉस पैरेलल में एक लो रेजिस्टेंस लगाए ताकि कम से कम करंट गलवानो मीटर के अक्रॉस पास हो और आई कैन से गलवाणु मीटर जो है वो खराब ना हो जाए वोल्ट मीटर के केस में ये है कि के नहीं भी दो पॉइंट के बीच में तुम्हें पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना हो को तुम, में करते लेकिन जब तुम से हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हो तो जो इस पूरे कॉम्बिनेशन के अक्रॉस जो पोटेंशियल uh, डिफरेंस है दैट इज रिलेटेड टू वोल्ट मीटर जो गलवानुमी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है टू दी गलवानो मीटर और ऑब्वियसली बात है यहाँ पर गलवानो मीटर और दूसरा रेजिस्टेंस सीरीज में है तो इसके अक्रॉस करंट सेम है और यहाँ पर मेरे पास जो गलवानो मीटर और शंट रेजिस्टेंस है पैरल में था तो दोनों के अक्रॉस ट इज ऑल आई एम होपिंग तुम लोगों को ये सेशन पसंद आयो बच्चों हैश टैग मिनी वन कम्प्लीट लिख देना तुम्हारा जो सेकंड सेशन है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर वो भी बहुत जल्दी आ जाएगा फिर उसको भी कम्प्लीट कर लेना थैंक यू सो मच एवरी वन गुड बाय पी डी एफ विल बी अवेलेबल ऑन माई टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब टू दी चैनल इनकेस यू हैव नॉट ऑलरेडी थैंक यू वेरी मच